बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो, और तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का हक है मुझे। कान खोल के सुन लो, मैं अम्मा से कहूंगी कि एक दो दिन में उन लड़के वालों को बुलाएं, तुम्हारे निकाह की तारीफ पक्की करूंगी और तुम्हारा निकाह चंद ही दिनों में करके तुम्हें रुखसत करूंगी। ठीक है, तो फिर बुला ले, मेरा क्या है, मैं एंड टाइम पे इनकार कर दूंगी। क्या करे, कब तक हमारी इज्जत नीलाम करती रहोगी तुम? इनकार करके देख लेना, अपने हाथों से तुम्हें जहर दूंगी, तुम्हारी लाश को साथ रुखसत करूंगी, मैं रुखसत जरूर करूंगी, समझी? अम्मी को क्या हो गया, इतनी सख्ती तो इन्होंने कभी नहीं की। लगता है इस बार मुझे घर से निकाल कर ही रहेंगी, लेकिन वो भूल गई हैं, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, अगर वो जिद्दी हैं तो मैं भी उनसे कम नहीं। लेकिन मैं कैसे निकल सकती हूँ, गुल और नौफल में तलाक तो हुई नहीं और अब तो बच्चा भी आ गया बीच में, मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर घर से चली जाऊँ, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दूँ? हरगिज नहीं, मैं नौफल की सारी खुशियां छीन लूंगी, जब तक छीनूंगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ समीना, एक्चुअली ना आजकल थोड़ा सा मैं कुछ चीजों में मसरूफ हूँ, थोड़ा टाइम निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगी। इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी है कि शाजिया आंटी के दिमाग में जूबी आंटी के लिए जहर भर दिया जाए और वो पार्टी की ऐसी तैसी कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, दापस। हेलो आंटी, आई नीड टू टॉक। बोल। जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, पर एटलीस्ट आप अंकल से तो प्यार से बात कर सकती हैं ना, उनका ख्याल रख सकती हैं, आफ्टर ऑल हस्बैंड है आपके। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। बकवास बंद करो, अमान की मजाल कि मुझ पर सौकन लेके आए, शाजिया अमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आई थिंक यू आर मिस्टेकन हियर, क्योंकि अंकल आजकल मेरी जूबी आंटी में काफी इंटरेस्ट नहीं है। They both hang out, they both go to shopping, dinners. आंटी उनके लिए बहुत प्यार से खाना बनाती हैं और अंकल उनकी कोई बात नहीं डालते। तुम्हारी वो जूबी आंटी मेरा मुकाबला करेगी शाजिया अमान का? मैं हालो स्टेप की शक्ल नहीं देखी। आपका यही घमंड आपको ले डूबे। मेरी ये बात याद रखिए, बेटा तुम्हें इस बात पर तो यकीन है ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक जर्रा भी नहीं हिल सकता? जी ना। बस तो फिर तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें अल्लाह की मसलहत है, वो तो अपने नेक बंदों को ही आजमाता है बेटा। और फिर हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उस आजमाइश पर पूरा उतरें। और जानती हो बेटा, सच्चाई पर बहुत देर तक पर्दा नहीं डाला जा सकता, अल्लाह मियाँ तो झूठ को ढील देता है कि बोलो कहाँ तक बोलोगे, और फिर जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। तुम्हारी जिंदगी में भी जहर घोलने वाला एक ना एक दिन अल्लाह की पकड़ में जरूर आएगा बेटा, तुम देखना इंशाल्लाह। बेटा इसलिए तुम अपना दिल छोटा मत करो, अगर दूसरे तंग दिल हैं तो तुम अपना दिल बड़ा कर लो। देखो अब तो तुम माँ के दर्जे पर फाइज होने जा रही, और माँ को तो दूसरा नाम ही कुर्बानी। अपने बच्चे के लिए अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशी की कुर्बानी देनी होगी तुम्हें, तभी तो वो बच्चा एक नई जिंदगी लेकर आएगा इस दुनिया में।